जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सेवा और मित्रता के उद्देश्यों को साकार कर रही संस्था इनर व्हील क्लब सीतापुर की तरफ से मेला और फैशन एग्जीबिशन का आयोजन उत्सव गेस्ट हाउस में किया गया। मेले का उद्घाटन नेत्र चिकित्सिका डॉक्टर रेखा गोयल, विमला मेहरोत्रा, रमा अग्रवाल और मधु सक्सेना ने संयुक्त रूप से किया। मेले में लखनऊ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, शाहजहांपुर, खैराबाद से आए हुए लोगों ने अपने अपने स्टॉल सजाए। चैरिटी के लिए 3 प्रोजेक्ट चयनित किए गए, जिसमें जेल से कैदियों द्वारा बनाई गई धूप बत्ती, अगरबत्ती, वंदन बारी, कुल्हड़ गिलास बिक्री के लिए लगाए गए। दूसरा, खैराबाद की एक जरूरतमंद महिला को फ्री स्टॉल देकर उनके द्वारा बनी खाद्य सामग्री की बिक्री में मदद की गई। तीसरा स्टॉल केंद्रीय विद्यालय रहा। इस विद्यालय की 14 साल की बालिका आरुषि, जिसका चयन कबड्डी में 17 जनपदों से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने मंडली खेल में तीसरे स्थान पर किया, आरुषि ने सीतापुर का नाम रोशन किया। मेले में इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष मीनू कपूर, वाइस प्रेसिडेंट प्रीति मेहरोत्रा, सचिव शोभना मेहरोत्रा, अकाउंटेंट नीरू अग्रवाल, एडिटर नीलम मेहरोत्रा, पेओ कोमल मेहरोत्रा, मीना गुप्ता, प्रीति चंद्रा, सुनीता, वर्षा, जीतू, सरिता, स्नेह, रुचि, नीलम, प्रतिमा, इंदु, पायल, रश्मि और उर्वशी सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष मीनू कपूर ने आई इंडिया को क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। ये इनर व्हील की तरफ से एक फेड लगाते हैं हम लोग, लास्ट ईयर भी लगाई थी तो इस साल भी हमने लगाई है। हमारा मेन मकसद होता है कि जो लेडीज़ जो घरों में काम करती हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, और जिससे उनकी पब्लिसिटी हो, उनका काम बहुत अच्छा चले और वो अर्न करें। और दूसरा, हमको एक चैरिटी करनी होती है, उसके लिए हमें फ़ंड चाहिए होता है, इससे हम थोड़ी सी फ़ंड रेजिंग करते हैं, जिससे हम अच्छा सा कोई शहर में एक अच्छा प्रोजेक्ट कर पाते हैं, कुछ काम कर पाते हैं, क्योंकि सेवा और मित्रता ही हमारे इनर व्हील का मतलब गोल है। और इस साल का गोल हमारा सेलिब्रेट लाइफ है, तो हम लोगों को पूरी कोशिश करनी है कि अच्छे से हम सारे प्रोग्राम को अरेंज करें, ऑर्गेनाइज करें, और जिससे कि सब लोग को मतलब कन्वीनियंटली और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिले, जिससे वो अपना काम को सुचारू रूप से कर पाए। जी जी, जो बिल्कुल उनको भी लिया है। और हमने एक बाहर 2 स्टॉल लगवाए हैं, एक जेल का स्टॉल लग रहा है और उसमें आप देखिएगा कि नीमसार से, लालता देवी से फूल आते हैं और जेल में वो दिए जाते हैं, उसके रॉ मटेरियल से वो लोग धूप बत्ती, अगरबत्ती और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, कुल्हड़, गिलास, कप, बहुत सारे मतलब राखियाँ की सब बन के आई हैं वहाँ से। और एक खैराबाद की लेडी हैं, वो बहुत पुअर हैं, उनको हमने सपोर्ट किया है, उनको भी फ्री स्टॉल दिया है कि वो घर का नाश्ता बनाती हैं, उसी से अपना घर चलाती हैं, तो उनको ये एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अच्छे से अपना घर चला पाएँ सुचारू रूप से, और उनको यहाँ पर आकर एक पहचान मिले, 4 लोग उनको जाने कि ऐसा कोई वो काम करती हैं जिससे उनका वो रोज़गार सर्वाइव करे अच्छे से। वो चैरिटी में हम लोग, वो हम लोगों ने चैरिटी में, दोनों हमारे ये स्टॉल्स चैरिटी के। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।